Hi guys, in this video we are going to discuss string functions. So string हमने just पढ़ा और हमने उसके सारे operations वगैरह पढ़े. अब जो सबसे important part होता है strings में वो है उससे related functions जिनको आप बहुत ज़्यादा use करोगे जब भी आप कोई application बनाओगे. So इस video में our target is कि हम जितने भी important string functions हैं वो हम ध्यान से पढ़ लेंगे. सारे पढ़ना possible नहीं है honestly एक video में, but मैं आपको वो सारे cover करवा दूँगा जो आप बहुत frequently use करोगे. ठीक है, so let's start the video. So मैंने सारे के सारे string functions को दो categories में divide कर दिया है. पहला category है common functions, वैसे functions जो आपको सारे iterables के ऊपर मिलते हैं, list के ऊपर भी, sets के ऊपर भी, dictionaries के ऊपर भी, tuples के ऊपर भी, वैसे ही string के ऊपर भी कुछ functions हमें पहले से मिलते हैं. ठीक है, और फिर कुछ जो सेकंड कैटेगरी है वो उन फंक्शंस की है जो स्पेसिफिक हैं स्ट्रिंग्स के लिए. उनको आप लिस्ट के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते, डिक्शनरीज के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते, दे आर स्पेसिफिक टू लिस्ट डेटा टाइप. ठीक है, तो पहले मैं आपको कॉमन वाले फंक्शंस बता रहा हूं जो हमने पहले भी देख रखे हैं, लेंथ, मैक्स, मिन एंड सॉर्टेड. ठीक है, सो आई विल गिव यू वन एग्जांपल. लेट्स से हमारे पास एक स्ट्रिंग है जिसके अंदर लिखा हुआ है कोलकाता. अब अगर मैं लेंथ ऑफ सी निकालूंगा तो इट विल बेसिकली काउंट कि कितने कैरेक्टर्स हैं उस स्ट्रिंग के अंदर. सो यहां पे 7 है, इसलिए आपका आंसर इज 7. ठीक है, नेक्स्ट द मैक्स फंक्शन. सो अगर आप मैक्स ऑफ सी करोगे तो ये ASCII वैल्यू के बेसिस पे आपको बताएगा कि सबसे बड़ा कैरेक्टर कौन सा है, एंड इट इज टी. ये पूरा ASCII वैल्यू के हिसाब से हो रहा है. आई होप आपको ASCII वैल्यूज के बारे में पता है. ठीक है, सिमिलरली इफ यू डू मिन तो ये आपको ASCII वैल्यूज के बेसिस पे जो सबसे छोटा कैरेक्टर है ए वो रिटर्न कर रहा है. ठीक है, द लास्ट वन इज सॉर्टेड. सॉर्टेड क्या करता है, सॉर्टेड ASCII वैल्यू के बेसिस पे आपके लिस्ट के हर कैरेक्टर को सॉर्ट करता है इन असेंडिंग ऑर्डर. बट हमेशा याद रखना आपको जो आउटपुट मिलेगा वो एक लिस्ट के फॉर्म में मिलेगा लाइक दिस. अगर आपको ये डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए तो आप रिवर्स बोल के एक हिडन पैरामीटर है उसका वैल्यू ट्रू कर सकते हो, एंड दिस इज इन डिसेंडिंग ऑर्डर. ठीक है, तो ये चार फंक्शंस आपके पास हैं. दीज आर कॉमन फंक्शंस जो आपको बाकी डेटा टाइप्स में भी मिलते हैं, स्ट्रिंग में भी अवेलेबल है. ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड कैटेगरी ऑफ फंक्शंस जहां पर आपके जो फंक्शंस है वो सिर्फ स्ट्रिंग डेटा टाइप के ऊपर ही एप्लीकेबल है. इन फंक्शंस को आप दूसरे डेटा टाइप्स के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते. ठीक है, तो काफी सारे फंक्शंस हैं, हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं. सबसे पहले एक और चीज, मैंने एक टाइप के फंक्शंस को एक जगह पे रख दिया है. जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कैपिटलाइज, टाइटल, अपर, लोअर और स्वैप केस, ये अलग अलग फंक्शंस हैं बट उनका जो फंक्शनैलिटी है इट इज वेरी सिमिलर टू ईच अदर, इसलिए मैं उनको साथ में पढ़ाऊंगा. ठीक है, सो सबसे पहले आता है कैपिटलाइज. सो कैपिटलाइज अगर हम सी की बात करें तो सी इज कैलकाटा, कोलकाता राइट नाउ. नाउ व्हाट यू विल डू इज कि कैपिटलाइज क्या करेगा, कैपिटलाइज आपको आपका जो स्ट्रिंग है उसके फर्स्ट लेटर को, फर्स्ट अल्फाबेट को कैपिटल कर देता है. ठीक है, लेट मी शो यू. सो अगर आप लिखो सी डॉट कैपिटलाइज और आप इसको रन करो, यू कैन सी नाउ इट इज गिविंग यू कैपिटल के. ठीक है, माइंड यू इट विल नॉट चेंज द ओरिजिनल स्ट्रिंग. ओरिजिनल स्ट्रिंग अगर आप देखो अभी भी स्मॉल के ही है. ठीक है, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस. एक और दूसरा कोई स्ट्रिंग लेते हैं हम लोग, लेट्स से इट इज रेनिंग टुडे. अब अगर आप इसको रन करो, मैं यहां से सी हटा रहा हूं, तो इट विल गिव यू दिस. कैपिटलाइज क्या करेगा, आपके पहले अल्फाबेट को कैपिटल में कन्वर्ट कर देगा. बहुत सिंपल है. ठीक है, इसी से सिमिलर होता है टाइटल. टाइटल क्या करेगा कि टाइटल आपके सेंटेंस में जितने भी वर्ड्स हैं हर वर्ड को कैपिटलाइज कर देगा. ठीक है, ध्यान से देखो. सो अगर मैं ये सेम कोड यूज करूं और यहां पे इंस्टेड ऑफ कैपिटलाइज इफ आई राइट टाइटल, तो दिस इज द आउटपुट. दिस इज कॉल्ड टाइटल केस. अगर आपने कभी ब्लॉग्स वगैरह पढ़े होंगे तो वहां पे जो हेडिंग रहता है वो टाइटल केस रहता है. हर वर्ड का पहला अल्फाबेट इज कैपिटल. ठीक है, तो कैपिटलाइज और टाइटल में बहुत छोटा सा डिफरेंस है, आई होप आपको याद रहेगा. ठीक है, सिमिलरली वी हैव अपर एंड लोअर, नाम से भी आपको समझ में आ रहा है. सो अगर आप सी डॉट अपर करो तो दिस विल बी द आउटपुट. एवरीथिंग विल बी इन अपर केस. ठीक है, और अब आप इसके ऊपर अगर लोअर कर दो
तो एवरीथिंग विल बी इन द लोअर केस. ठीक है, तो अपर क्या करता है, सारे कैरेक्टर्स को अपर में ले जाता है, लोअर सारे कैरेक्टर्स को लोअर में लेके जाता है. ठीक है, बहुत सिंपल है. नेक्स्ट इज स्वैप केस. स्वैप केस क्या करता है, बहुत सिंपल है. लेट्स से हमारे पास है के ओ एल के ए टी ए मान लो, और हम यूज कर रहे हैं स्वैप केस. स्वैप केस क्या करेगा, लोअर को अपर में कन्वर्ट कर देगा, अपर को लोअर में कन्वर्ट कर देगा, एंड दिस विल बी द आउटपुट. ठीक है, बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं है ऑनेस्टली, मतलब मैंने बहुत ज्यादा यूज नहीं किया इसको कभी, बट या एक फंक्शन आपके पास ये अवेलेबल है. ठीक है, ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड फंक्शन, द काउंट फंक्शन. नाम से समझ में आ रहा है, किसी भी पर्टिकुलर सबस्ट्रिंग का काउंट बताता है. सो अगर मेरे पास लेट्स से एक स्ट्रिंग है, इट इज रेनिंग, और इसके ऊपर अगर आप काउंट लगा दो और आप पूछो कि बताओ भैया आई कितनी बार आ रहा है, तो वो आपको काउंट करके बता देगा कि आई 4 बार आ रहा है. ठीक है, और ये सिर्फ सिंगल कैरेक्टर्स के ऊपर काम नहीं करता, ये सब स्ट्रिंग के ऊपर काम करता है. मतलब आई कैन एक्चुअली राइट समथिंग लाइक दिस, आई एन जी कितनी बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है. ठीक है, इज कितनी बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है, रेन कितनी बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है. अगर आप कुछ ऐसा दोगे जो प्रेजेंट नहीं है तो आपको 0 मिल जाएगा. ठीक है, तो काउंट फंक्शन बहुत यूजफुल है अगर आपको किसी भी सबस्ट्रिंग का फ्रीक्वेंसी पता करना है एक स्ट्रिंग के अंदर. ठीक है, आई होप इजी है ये. नेक्स्ट इज फाइंड एंड इंडेक्स. दोनों बहुत सिमिलर फंक्शन है. पहले मैं आपको फाइंड बताता हूँ. सो लेट्स से यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज रेनिंग डॉट फाइंड. लेट्स से मुझे पता करना है आई किस पोजिशन पे है, तो ये बता रहा है कि ये 0th पोजीशन पे है. हमेशा याद रखना, अगर कोई कैरेक्टर बार बार रिपीट कर रहा है, जिस चीज को आप खोज रहे हो वो बार बार रिपीट कर रहा है, तो आपको फर्स्ट अकरेंस बताया जाएगा. ठीक है, अगर मैं बोलूं जी कहां पर है तो 12th पोजीशन पे है, अगर मैं बोलूं कि रेनिंग कहां पर है तो 6th पोजीशन पे. कैसे 6th पोजीशन पे है, दिस इज 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6th पोजीशन पे. ठीक है, अगर आप कुछ ऐसा डालो जो नहीं है तो आपको मिलता है -1. -1 का मतलब कि वो पर्टिकुलर सबस्ट्रिंग आपके स्ट्रिंग के अंदर प्रेजेंट नहीं है. ठीक है, और बहुत सिमिलर होता है इंडेक्स. इनफैक्ट इट इज ऑलमोस्ट सेम, बस एक छोटा सा डिफरेंस होता है. मैं आपको जल्दी से दिखाता हूं. लेट्स से मैं फिर से फाइंड करके दिखाता हूं आपको रेन कहां पर है, तो 6th पोजिशन पे है, अभी हमने डिस्कस किया. बट अगर आप यहां पर एक्स दे दो तो कोड फट जाएगा और आपको ये आंसर मिलेगा, सबस्ट्रिंग नॉट फाउंड. तो जो मेजर डिफरेंस होता है फाइंड और इंडेक्स के बीच में वो यही है कि फाइंड में अगर आपको कोई चीज नहीं मिलती है तो आपको -1 रिटर्न हो जाता है, और अगर आपको इंडेक्स में नहीं मिलता है तो आपको एरर थ्रो होता है. तो प्रेफर किया करो कि फाइंड यूज करो. ठीक है, आई होप ये भी आपको समझ में आ रहा है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू एंड्स विथ एंड स्टार्ट विथ. आई गेस समझ में आ रहा है. सो इट इज रेनिंग डॉट एंड्स विथ. देखो अगर मैं बोल रहा हूं आई एन जी के साथ एंड कर रहा है, ट्रू, और अगर मैं कुछ और डाल दूं तो फॉल्स. सिमिलरली अगर मैं इस कोड को कॉपी करूं और यहां पे मैं एंड्स विथ के बदले डाल दूं स्टार्ट्स विथ, और यहां पे मैं डाल दूं इट, तो आप चेक कर सकते हो कि कोई पर्टिकुलर स्ट्रिंग किसी दूसरे सबस्ट्रिंग से स्टार्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है. ठीक है, कुछ सिचुएशंस में काम आ सकता है. इस पॉइंट पे आई एम नॉट एबल टू थिंक ऑफ एन एग्जांपल, बट इट्स ओके. ठीक है, नेक्स्ट इज फॉर्मेट, जो कि काफी यूजफुल फंक्शन है. फ्यूचर में आप इसको बहुत यूज करोगे, स्पेशली जब हम प्रोजेक्ट बनाएंगे इस प्लेलिस्ट में, वहां पर आप फॉर्मेट बहुत यूज करोगे. आई विल गिव यू वन एग्जांपल. लेट्स से यहाँ पे लिखा हुआ है हेलो माय नेम इज ब्रैकेट एंड आई एम डॉट फॉर्मेट. ठीक है, अब यहां पे आप क्या कर सकते हो, यू कैन राइट इट लाइक दिस. ठीक है, सो आई गेस आपको समझ में आ रहा है, दिस इज अ स्ट्रिंग जहां पे बीच में दो जगहों पे वैल्यूज नहीं है. दिस इज लाइक फिल इन द ब्लैंक्स, और आप उन ब्लैंक्स को कैसे फिल कर रहे हो, यूजिंग दीज टू वैल्यूज, सो यू विल गेट दिस आउटपुट. ठीक है, तो कभी भी अगर आपको पहले से नहीं पता है कि किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग में क्या वैल्यू शो करना है, तो आप वहां पे फॉर्मेट फंक्शन यूज कर सकते हो. अ गुड एग्जांपल इज आप एक लॉगिन सिस्टम बना रहे हो जहां पे आप प्रोफाइल पेज में दिखाओगे हेलो यूजर का नाम, बट आपको पहले से नहीं पता कि फ्यूचर में कौन बंदा लॉगिन करेगा,
तो आप वहां पे फॉर्मेट फंक्शन यूज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे कुछ वेरिएशंस है, मैं आपको जल्दी से दिखाता हूँ। जैसे कि लेट्स से मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 और यहाँ पे लिख रहा हूँ 0, अब आउटपुट ये आ जाएगा। सो होता क्या है कि फॉर्मेट के अंदर आपके पास जो भी चीजें आप देते हो ये सारी की सारी एक पोजीशन पे होती है। जैसे नितिश 0th पोजीशन पे है, 31st पोजीशन पे है। अब मैंने क्या किया, मैंने बोला यहाँ वाले ब्लैंक में फर्स्ट पोजीशन वाली चीज को भेजना और यहाँ पे 0th पोजीशन वाली चीज को भेजना, तो यू कैन सी वो पोजिशनिंग चेंज हो गया, ठीक है। एक और तरीका होता है, आप ये भी कर सकते हो, नेम इज इक्वल टू दिस, एज इज इक्वल टू दिस, और आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप यहाँ पे भेज रहे हो नेम और यहाँ पे भेज रहे हो एज, दिस वुड गिव यू द सेम आउटपुट। बट अगर आप यहाँ पे एज लिख दो और अगर आप यहाँ पे नेम लिख दो तो आप पोजिशन चेंज कर दोगे, ठीक है। यहाँ पर और भी चीजें हो सकती हैं, जैसे कि यहाँ पे वेट इज इक्वल टू 70 है, ठीक है, और मैं यहाँ पे क्या कर दूं, नेम के बदले वेट भेज दूं, तो दिस विल बी द आउटपुट। मतलब इट इज नॉट नेसेसरी कि यहाँ पे है तो यहाँ पर यूज करोगे ही करोगे, ठीक है। ये अपने ऊपर है कि आप कौन सी चीज को यूज करना चाहते हो, कौन सी चीज को यूज नहीं करना चाहते। आप ऐसा भी कर सकते थे, आप दोनों जगह पे नेम यूज कर लेते लाइक दिस, तो आपको ये आउटपुट मिलता, ठीक है। तो इट्स वेरी फ्लेक्सिबल और बहुत यूजफुल है, फ्यूचर में जब हम प्रोजेक्ट्स करेंगे आपको थोड़ा और पर्सपेक्टिव मिलेगा कि इसको कैसे यूज करना है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेट ऑफ फंक्शंस। ये सारे फंक्शंस होते हैं क्वेश्चंस पूछने वाले, क्या अल्फा न्यूमेरिक है, क्या अल्फाबेटिकल है, क्या डेसिमल है, क्या डिजिट है, क्या आइडेंटिफायर है, इस तरह के अलग अलग फंक्शंस है हमारे पास। और ये बेसिकली वैलिडेशन में काम आता है, कोई भी इनपुट अगर आपको मिल रहा है तो आप उसको वैलिडेट कर सकते हो कि क्या ये रूल फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। जैसे कि आई कैन गिव यू वन एग्जांपल, लेट्स से मेरे पास एक स्ट्रिंग है फ्लैट 20, इसके ऊपर अगर मैं ये फंक्शन चलाऊं इज एलनम, तो इज एलनम चेक करता है कि जो स्ट्रिंग है उसके अंदर सब कुछ एज इन सारे कैरेक्टर्स या तो अल्फा न्यूमेरिक होने चाहिए, या तो अल्फाबेटिकल होने चाहिए, या तो न्यूमेरिकल होने चाहिए। सो यू कैन सी यहाँ पे ट्रू आएगा, बट अगर मैं यहाँ पे एक एम्परसेंट डाल दू, नाउ इट विल बी फॉल्स बिकॉज एम्परसेंट इज एक्चुअली अ स्पेशल कैरेक्टर, ठीक है। सिमिलरली लेट्स से मेरे पास एक है फ्लैट डॉट इज अल्फा, तो ये चेक करेगा कि आपके स्ट्रिंग में सब कुछ अल्फाबेटिकल है कि नहीं। यहाँ पे अल्फाबेटिकल है इसलिए आपको ट्रू मिल रहा है, बट अगर आप यहाँ पे 20 डाल देते तो ये फॉल्स दे देता बिकॉज अब ये अल्फा न्यूमेरिक है, आप सिर्फ अल्फाबेटिकल चेक कर रहे हो, ठीक है। सिमिलरली यू हैव इज डिजिट एंड इज डेसिमल, मैं आपको इज डिजिट बता देता हूँ। सो लेट्स से आपके पास है 20 डॉट इज डिजिट, तो दिस विल गिव यू ट्रू, बट अगर आप यहाँ पे ए डाल दोगे तो दिस विल गिव यू फॉल्स, ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट इज आइडेंटिफायर, सो अगर आप यहाँ पे लिख दो हेलो वर्ल्ड डॉट इज आइडेंटिफायर, दिस विल गिव यू फॉल्स बिकॉज दिस इज नॉट अ वैलिड आइडेंटिफायर बिकॉज बीच में स्पेशल कैरेक्टर है वाइट स्पेस। बट अगर आप यहाँ पे अंडरस्कोर डाल दो तो ये ट्रू हो जाएगा बिकॉज अंडरस्कोर इज अलाउड एज अ वैलिड आइडेंटिफायर, ठीक है। इस तरीके से आपके पास और बहुत सारे इज वाले फंक्शंस होते हैं, अब मैं सारे नहीं पढ़ा रहा आपको, बट आप जाके खुद से चेक कर सकते हो। सो इज ASCII है, इज लोअर है, इज अपर है, इज न्यूमेरिक है, इज प्रिंटेबल है, इज स्पेस है, इज टाइटल है, और या इतने सारे हैं। आपको मैं सजेस्ट करूंगा एक बार जाकर के इस नोटबुक को उठाओ और इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करके यू कैन गेन पर्सपेक्टिव, ओके। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन कॉल्ड स्प्लिट फंक्शन। ये बहुत यूजफुल है, अगेन बहुत आप फ्यूचर में यूज करोगे। आई विल गिव यू वन एग्जांपल, हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, लेट्स से ये मेरा स्ट्रिंग है, इसके ऊपर अगर आप स्प्लिट को कॉल करोगे तो स्प्लिट क्या करता है, आपके स्ट्रिंग को लिस्ट में कन्वर्ट करता है, ठीक है। सो सारे वर्ड्स को वो ब्रेक कर देगा और एक लिस्ट में डाल देगा, सो यू कैन सी सारे वर्ड्स अलग हो गए, ठीक है। इस तरह का जो फंक्शन है ये बहुत यूजफुल होता है, अगर आप लेट्स से अगर आपने कोरा जैसा प्लेटफॉर्म यूज किया होगा जहाँ पे यूजर्स क्वेश्चन आंसर्स पूछते हैं, तो कोरा क्या करता है, टैग्स क्रिएट करने के लिए
टैग्स क्रिएट करने के लिए कोरा क्या करेगा कि आपके क्वेश्चन को पहले इस तरीके से स्प्लिट कर देगा, सारे वर्ड्स को अलग कर देगा, फिर इनमें से जो ट्रिवियल वर्ड्स हैं उनको हटा देगा, जैसे हु इज द, इन सबको हटा देगा, और जो काम के वर्ड्स हैं पीएम एज इन प्राइम मिनिस्टर इंडिया, ये इनको टैग में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो ये बहुत ही यूजफुल फंक्शन है, कई जगहों पे यूज होता है। द गुड पार्ट अबाउट दिस फंक्शन इज कि आप सिर्फ स्पेस के ऊपर नहीं, आप किसी भी चीज के ऊपर स्प्लिट कर सकते हो। लेट मी शो यू। सो अगर मैं यहाँ पे चाहूँ तो मैं पीएम के ऊपर स्प्लिट कर सकता हूँ। ये देखो, पीएम के ऊपर स्प्लिट करने पे जो आपके पास दो स्ट्रिंग्स बने वो ये हैं। ठीक है, सिमिलरली आप आई के ऊपर कर सकते हो। आई के ऊपर करने पे यहाँ यहाँ पे स्प्लिट पड़ रहा है। ठीक है, चार अलग स्ट्रिंग्स बने। तो आप किसी भी चीज के ऊपर स्प्लिट कर सकते हो। ऑब्वियसली वो सब स्ट्रिंग जो होता है वो आपके पास आपके स्ट्रिंग के अंदर होना चाहिए। लाइक यू कैन नॉट डू दिस। ठीक है, क्योंकि आप इससे जैसे ही करोगे तो कोई स्प्लिट नहीं होगा, तो आपके पास एक सिंगल जो पहले स्ट्रिंग था वही स्ट्रिंग रह जाएगा। ठीक है, तो अगेन इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, ये आपको अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इज जॉइन फंक्शन। जॉइन फंक्शन इज जस्ट द रिवर्स ऑफ स्प्लिट फंक्शन। ठीक है, सो अगर आपके पास एक लिस्ट है आप उसको वापस कन्वर्ट कर सकते हो इनटू अ स्ट्रिंग। आई विल गिव यू वन एग्जांपल। लेट्स से आपके पास ये एक स्ट्रिंग है, लिस्ट है, और आप इसको कन्वर्ट करना चाहते हो इनटू अ स्ट्रिंग। तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे जॉइन और अंदर पास कर दोगे वो लिस्ट, और आप इसको किस पे ज्वाइन करना चाहते हो, मैं स्पेस पे ज्वाइन करना चाहता हूँ लाइक दिस, और ये रन करने पे मुझे ये आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, आप किसी और चीज पे भी ज्वाइन कर सकते थे, लाइक रादर देन हैविंग स्पेस यू कैन हैव अ स्लैश, सो आप इस तरीके से भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, या फिर आप चाहो तो इसके बेसिस पे भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो ब्लॉग्स वगैरह में आपने कभी URL देखा होगा, तो वो URL फॉर्म करने के लिए ज्वाइन फंक्शन यूज किया जाता है। ठीक है, तो अगेन इट्स अ यूजफुल फंक्शन, अगर आप स्प्लिट यूज करते हो तो उसका उल्टा ज्वाइन भी कभी कभी यूज कर सकते हो। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू रिप्लेस। रिप्लेस नाम से आपको समझ में आ रहा है, हाय माय नेम इज नितिश डॉट रिप्लेस। किसको रिप्लेस करना है, किससे रिप्लेस करना है, लाइक दिस, सिंपल है। ठीक है, आई गेस आपको समझ में आ रहा है। द लास्ट वन इज स्ट्रिप। सो स्ट्रिप बहुत यूजफुल है। स्ट्रिप क्या करता है, आपके ट्रेलिंग और लीडिंग स्पेसेस को हटाता है। सो लेट्स से आपका यूजर है और वो आपकी वेबसाइट में आके रजिस्ट्रेशन कर रहा है, और उसने नेम वेरिएबल में अपना नाम डालते डालते गलती से उसने इतने स्पेसेस दे दिए लाइक दिस, उसका कीबोर्ड खराब था या कुछ भी ऐसे समझो। तो अगर आप ये ट्रेलिंग और लीडिंग स्पेसेस नहीं हटाओगे तो डेटाबेस में एज इट इज उसका नाम आ जाएगा। मतलब अब अगर आप नेम को प्रिंट करोगे तो ऐसा दिखाई देगा, और अगर आप नेम के आगे लेट्स से आप हाई लिखोगे तो ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, तो ये डेंजरस है, इसलिए इसको हटाने के लिए स्ट्रिप फंक्शन होता है। लेट मी शो यू स्ट्रिप फंक्शन क्या करता है। स्ट्रिप फंक्शन क्या करता है कि ट्रेलिंग और लीडिंग स्पेसेस को हटा देता है। सो अगर मैं लिखूं नेम डॉट स्ट्रिप, तो दिस इज द आउटपुट। उसने क्या किया, पहले वाले स्पेसेस और आगे वाले स्पेसेस को हटा दिया। ठीक है, और अब आप इसको डेटाबेस में जब डालोगे तो कोई गड़बड़ नहीं होगा। ठीक है, तो ये भी कभी कभी काम आता है, स्पेशली वेब डेवलपमेंट में जब आप रजिस्ट्रेशन करवा रहे होते हो यूजर का, उस पॉइंट पे आप क्या करते हो, स्ट्रिप फंक्शन को यूज करते हो। ठीक है, तो या दैट्स इट। मैंने ऑलमोस्ट सारे फंक्शंस आपको कंप्लीट करवा दिए हैं, बट अगर आपको फिर भी बाकी सारे फंक्शंस देखने हैं तो बहुत सिंपल है। आप कोई भी एक स्ट्रिंग बनाओ, डॉट मार के टैब प्रेस करो, आपको सारे फंक्शंस का लिस्ट मिल जाएगा। ऑब्वियसली मैंने सारे नहीं कराए हैं आपको, मैंने अराउंड 70-80% कराए हैं। सो जो बाकी 20% बचे हैं आप वो खुद से ट्राई करके देखो। इफ यू नॉट गेटिंग कि कैसे होगा वो, तो यू कैन ऑलवेज गूगल, आपको तुरंत उसका रिजल्ट मिल जाएगा। या फिर यू कैन यूज द हेल्प फंक्शन जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया। हेल्प फंक्शन को यूज करके भी आपको ईजिली समझ में आ सकता है कि कोई फंक्शन क्या कर रहा है। ठीक है, तो या दैट्स इट। Thanks for watching. Bye.